ओके तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम आए हैं बॉलीवुड पार्क मुंबई फिल्म सिटी में। तो आज हम फिल्म सिटी देखेंगे जो गोरेगांव में है। तो हम फिलहाल गेट नंबर 1 के सामने है। हमने टिकट ऑलरेडी बुक कर दिया था बुक माई शो से, जो कि होता है अराउंड 999 पर पर्सन का। तो बुक माई शो से करोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है अराउंड 100 के आसपास। तो आई विल सजेस्ट आप डायरेक्ट यहाँ पे आके कर लो बुकिंग। तो हमारा स्लॉट उसमें था एक्चुअली 1:30 का दिखाया था। तो उन्होंने जब मतलब बुक होने के बाद 1:00 को बोला है, इट्स लाइक आधे घंटे पहले आपके टच होने के लिए बोला था। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ऐसा होगा, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो इट्स लाइक अगर आप आ जाओगे बुक करने तो ज़रूरी नहीं कि आपको वही टाइम स्लॉट मिले, हो सकता है आगे वाला टाइम स्लॉट मिल जाए। तो हम लोग आ चुके हैं 1 घंटे पहले यहाँ पे। तो बस अभी हमसे पहले वाला एक बैच निकल गए, तो अभी हम वेट करेंगे हमारे बैच के लिए। तो बस शुरू करेंगे यहाँ से। वो हमारे से पहले वाला बैच है जो जा रहा है 12:30 का, देख सकते हो ऐसा बस होगा, बस में भर के निकल जाते हैं लोग। तो यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो। चलो चलो तो ये है बस सी। तो हमसे पहले वाला बैच का है कुछ 12:45 का शायद। तो अब निकलेंगे ये यहाँ से। ऐसा एक आईडी मिला है तो ये पहनना पड़ेगा थ्रू आउट द ट्रिप। नमस्कार दीपू सजनो, कैसे आप आए? हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं करते मगर दिखेंगे जरूर। चलिए लेट्स गो। ओम भगवन् महाकाय सूर्य कोटि सर्व प्रभा निर्मलं भूमि देव सर्व कार्येषु सर्वदा ओम गणपते नमः। गणपति बप्पा ओरिया मंगल मूर्ति ओरिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सो फाइनली नाउ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लोकेशन का एक नाम होता है जिसे मैं नाम देते हैं फर्स्ट लोकेशन जब लैंडिंग साइट में, इसका नाम साई मैदान है। आपने मूवी देखी थी हमारे फ्रेंड्स ने, ये रेडी वाले साई बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवाली। वो तो साई मंदिर था ना दोस्तों, वो एक सेट था, सेट वो सेट यहाँ पर बनाया गया था उसी के नाम से, इसका नाम है साई मैदान। अभी यहाँ पर कुछ देर पहले खिचड़ी मूवी की शूटिंग चल रही थी, तब यहाँ पर गुजरात में गाँव बनाया गया था। शूटिंग गांव में भी होती है मगर डिफिकल्टी वहां पर नहीं हो सकती, उनको यहां पर किया जाता है। गांव बनता है, शूटिंग होती है, गांव को तोड़ देते हैं। दाएं तरफ ये जवान फिल्म का सेट है, ठीक है सर अपना दादा। यहां पर शाहरुख खान की मूवी है जवान, कुछ सर्कस का सीन यहां पर होने वाला है, कुछ बड़ी बड़ी बातें यहां पर चल रही है दोस्तों, कैसे करेंगे करके ना कुछ ये कुछ डायरेक्टर वगैरह आए हुए हैं कुछ ना वैसे मतलब जो दूसरे डायरेक्टर होते हैं रियल डायरेक्टर एटली है दोस्तों। जगह का नाम है जलकर मैदान। जलकर मूवी देखी है आपने? ठीक है पूछ लम पकड़ दे दूसरी सुनी भी तू है दे तीजे रूप तेरे चल चल कर गानी दे वेलकम मैदान ऐसा है हमदम। अगर देखी तो बताइए आवाज किसकी है, भगवान का जीवन सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, बड़े सारे शोज यहाँ पर हुए हैं। चिट्ठी निकली है वो फिल्म के अंदर यहाँ पर बनाया गया था दोस्तों। थाईलैंड ऐसे बनाते हैं शूटिंग होती है, 17% को किया जाता है। यहाँ पर आज मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट ऐसे चेक करेंगे कहाँ कहाँ क्या करना है करके ना। सेट बनाएंगे राइट एंड साइड में, ये है हीरा मंडी फिल्म का सेट। हीरा मंडी एक वेब सीरीज है जिसकी वजह सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दोस्तों, मनीषा कोराला, आदित्य रॉय हैदरी, संजीदा शेख और मुमताज। मुमताज कहते कौन दिल्लियां चमकेगी गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली मुमताज। यह छोड़ा कर बनता है गांधी चौक है बनता अंबेडकर चौक फोपर लाल ही आगे ऑटो पकड़ते हैं। अगर आप देखते हैं तारक मेहता का होटल निर्माण देखते हैं वो जहाँ पे फिल्मों की गाने बनती है, जैसे मैं तेरे काबिल हूँ या घर का छा गई है हम तुम पे इतना टाइम सी में जितना पानी लाई आकाश में पंछी उड़ाई भौरा बगियन में गाई उलला उलला
चुटकी जो तुम निकाटी है चलेंगे हम तुझको लड़की तुम्हें बड़ी गुम्बा आओ आओ उलाला उलाला उसे भी दिखाए गाने गाते दोस्तों। यहाँ पर पठान फिल्म के बहुत सारे सीन हुए हैं हमारे सामने शाहरुख खान दीपिका पादुकोण वगैरह आते थे ना यहाँ पर सेट बनाया जाता था इसके अंदर स्टूडियो के अंदर और इसे स्टूडियो है स्टूडियो नंबर 1 कहते हैं इसको। राइट साइड में स्कूल बनाते हैं और बाएं हाथ में झंडा रोहण करते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों ये भी स्टूडियो है यहाँ ही बहुत सारे गाने वाने बनते हैं फिल्में बनती है इसके अंदर। वो जो कला का गाना है ना कोई कैसे तुम्हें समझाए सजनिया के मन में अभी गाने बने हैं रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से अरे गोकुल धाम देखो गोकुल धाम गोकुल धाम। राइट साइड में यही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा गोकुल धाम सोसाइटी। दोस्तों जहाँ से टिकट खरीदा ना उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आके जाके रियली गोकुल धाम सोसाइटी भी है मगर उस गोकुल धाम सोसाइटी में जेठालाल नहीं रहता अंदर कंप्लीट कोर्ट रूम ड्रामा जहाँ पर अंदर खुर्दा मुझे बचाओ ये दौलत भी ले लो ये शौहरत भी ले लो मैं बहुत दुखी हूँ आप मेरी औरत भी ले लो वो भी करते हैं। चलो एक ऐसे मंदिर आए जहाँ पर भगवान भी शुरू किए आते हैं कभी गणपति बप्पा मोरिया कभी श्री शंकर महादेव कभी श्रीराम के साथ हनुमान आते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं है जो यहाँ ठगा नहीं है आज आपकी बारी है। अरे वाह 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 लगता है कुछ हुआ है यहाँ पर बेटा मुझे दिखाओ क्या हो रहा है ओ मंदिर है कौन से भगवान है ओ माता खाली है मंदिर। Just a short walk. Vanity van. ये कहाँ आ गए हम? जी हम लोग इसका नाम है बागवान। बागवान मूवी देखी हम लोगों ने बोली गले रघुवीर अवध में उस फिल्म के अंदर वो एंड वाला बच्चन साहब को दिखाया गया था पूरा गाना यहाँ पर शूट किया गया है। ये रूम एक्चुअली में लेट 80s को हमारे बच्चों के अंदर वैंटी रूम नहीं हुआ करते थे ये वैंटी वैन थे ये नहीं थी जमाने में उस जमाने में रूम्स हुआ करते थे वैंटी रूम्स एक्टर्स गर्ल्स अंदर चेंज करती थी बॉयज बाहर कर दिया करते थे तभी बात है। अब क्योंकि वैंटी वैन आ चुके थे रूम यूजलेस हो चुके हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है एज ए प्रॉपर्टी। मूवी देखी सिम्बा जे माला माहिती दे सांगा भाऊ टेल यू व्हाट आई डोंट नो पुलिस स्टेशन दिखाया गया है। वेल एक अभी मूवी आई थी इसका नाम है गांधी और गॉड से। गांधी जी वहां से बाहर निकलते हैं बोलते हैं मैं पाकिस्तान जा रहा हूं और जिन्ना को पूरा हिंदुस्तान था जो आपने देखा राइट। कई बार इसे दिखाते चैपल चैपल ना छोटा चर्च बनाया जाता है कई बार यहाँ पर कब्रिस्तान बनाया जाता है कई बार यहाँ पर स्कूल सिंगम स्कूल दिखाया गया है कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ब्रह्मास्त्र के अंदर या अमिताभ जी का वो दिखाया गया है आश्रम ये लाल सिंह चड्ढा के अंदर आर्मी कैंटोनमेंट एरिया दिखाया गया सीरियसली इतना भी एफएक्स देखा है ये पेड़ माजरी की बहुत सारी फिल्मों में है। किसी दिन बनूंगी वो मंच गांधी गदर फैंटम बहुत सारी फिल्मों में नेताजी भाषण देते हैं। अभी फिल्म आई थी बीच में नरेंद्र जिसके अंदर विवेक ओबेरॉय मोदी जी बने थे मित्रों भाइयों और बहनों मैंने कहा जब तक मेरा भारत में आलू और गोभी है तब तक मेरा भारत में तो ये हीरो जा रहा है शायद या कोई ये सभी हीरो है क्राइम पटने इंस्पेक्टर वगैरह लगते हैं ज्यादातर ते बाप रे लंबा आदमी है
हाँ वो झुक के चलना पड़ रहा बेचारे को। नहीं हिंदी जो है इसका नाम है आरती को दिखाना, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी है। अच्छा। तो यहाँ पे एक सेट दिख रहा है, मूवी सेट, कुछ तो हिंदी शो का है बोला। तो एक छोटा सा सेट देखा हम लोग ने अभी तक। बाकी यहाँ पे देखो ये कश्मीर है, शूटिंग कश्मीर में होती है मगर सब काम वहाँ नहीं हो सकते, जो काम वहाँ नहीं हो पाता नहीं यहाँ पर किया जाता है। वो सेंटर का फिल्म कहो ना प्यार है में भी है, फिल्म कयामत का मॉरिशस। अगर पानी को समुद्र दिखाना हो तो वेव मेकर मशीन डालते हैं, समुद्र बन जाता है, छोटा मोटा सीन हो सकता है, बड़ा नहीं कर सकते हैं, राइट। वो पानी इतना गहरा है तो शूटिंग करते समय जान माल की हानि का खतरा नहीं होता है, पानी के लेवल से ऊंचा उठा के सेट बनाया जा सकता है ताकि कैमरा मूवमेंट के लिए इजी रहेगा, राइट। वो किनारे पे वहाँ पर अंत्योष्टि दाह संस्कार के सीन होते हैं, नीच कर्मा क्राइम वो तो मैं देखा है, राइट। आप लोग खड़े से लवर्स पॉइंट कहते हैं, लव का मैं अपना हो तो सुसाइड पॉइंट है। साजन मेरा दिन भीगते आते 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 तेरी ओ मेरा बाबू ताल से तो जा जा के कहां बस गाना मेरे का। तो ये जो पॉइंट है इसको लवर्स पॉइंट बोलता है, और इसके ठीक पीछे जो पानी दिख रहा है वो है छोटा कश्मीर। यहाँ का एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा मैं छोटा कश्मीर का, वहाँ पे एक बोटिंग होता है एक्चुअली में, वो भी देख लेंगे आगे। ये जो प्लेस बता रहे हैं अशोक वाटिका, इन सभी पेड़ों के बीच में ये तीरा मेरा पीठ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हॉरर फिल्म में, कुछ हड्डियां वड्डियां खून वून टांगने जानते उठा करके तो अभी हम जा रहे हैं वापस हमारे बस में, तो आधा घंटा और ऐसी बस का सफर होगा, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे बॉलीवुड पार्क। बॉलीवुड पार्क में बहुत सारा सेट्स है जहाँ पे हम घूमेंगे ऐसा, तो वहाँ पे अच्छा खासा फोटोज सब लिया जाएगा। तो बहुत धूप है, बहुत गंदा धूप है। ये मंदिर भी दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, इसे ये वही मंदिर है, इसके भी पीछे काफ़ी सारी कहानी बताया था। वैसे अंदर तो कुछ नहीं है, बस इतना सा स्पेस दिया है और क्या। अंदर से फुल हॉरर लग रहा है। लेट्स गो। भाई जिन सारे जो जंगल दिखाई दे रहा है, श्री राम भगवान सीता माँ लक्ष्मण के वनवास से विदित करते हैं ना, मंगल भवन अमंगलवारी प्रभु सुदशरथ चर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। भाई जिन सारे भाई साहब देखो इसका नाम है ठंडाला ब्रिज। हाँ ठंडाला ब्रिज पुणे के बीच में आता है, वो दिखता है फिल्मों में किडनैपिंग मर्डर स्मगलिंग जो रात में देखते सब यहाँ पर दिन में करते हैं। कैसे कैसे कैसे, अरे भैया जैसे तशा पहनते काला कैमरे का ग्लास लगा दोगे काला तो रात हो जाती काली। दिन को रात दिखाना आसान होता है, दिन में शूटिंग करना आसान होता है, रात में कई बार यहाँ पर लेपर्ड टाइगर श्री चीता भालू भी आते हैं, पता चला जाने जाने में चार पांच जो कमरा हो जाएगा कि दिन में शूटिंग करते हैं। कई बार आर्मी की गाड़ी आती है आतंकवादी उड़ा देते हैं, माचिस में देखा है, हिंदुस्तान के में देखा है, गजर में देखने वाले हैं आप। कई बार दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्र सेनानी घोड़े में वंदे मातरम ऐसा भी हो जाता है। बिग बॉस का सेट ये 80s में बिया जोड़ा था कि महाभारत का भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। गीता जी जो गीता के उपदेश देखे आपने, बिग बॉस का सेट, बिग बॉस का सेट। राइट साइड में यह बिस्टिंग बोर्ड, यहाँ पर फिल्मों
दोस्तों यहाँ पर विस्टिंग बोर्ड इंटरनेशनल की इंस्टीट्यूट है, यहाँ भी शूटिंग होती है मुन्ना भाई MBBS। दोस्तों आज यहाँ पर वो आए हुए राज ठाकरे आए हुए हमारे शो में, ठीक है बोलो लेफ्ट जाएंगे लेफ्ट दादू। ये सारे स्टूडियोज है, बच्चे सब केबीसी यहाँ पर हुआ करता था। नमस्कार, टेलीविजन का उत्तर बच्चन बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका, कौन बनेगा करोड़पति। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम ही जया होती तुम ही होती देखा। सोनी मेरी चाल सोनी हुई, हाँ सोना सोना। हाँ सारे स्टूडियोज ही है, उसे भी आपको यहाँ पर उतरना है और अंदर आपको शोज वगैरह दिखाएंगे, काफी शोज यहाँ पर अंदर हो रहे हैं। उतरने से पहले प्लीज आपका मोबाइल पर्स कैमरा बैग वैग जो भी आप लेकर के सबके साथ लेकर के जाना है। और जो ये आपने दोस्तों हमारी आईडी नहीं पहनी, जिन्होंने आईडी पहनी प्लीज अपनी आईडी को भी सीट पे रख दीजिए, आपके बाद वालों के काम आने वाले हैं। मेरा सफर तो यहीं तक ही है, अभी आपको अंदर जाना है, आपको अंदर नई टीम मिलेगी, काफी डांस वांस म्यूजिक वगैरह इसके अंदर होने वाला है। राइट, चलिए सर। अच्छा तो हम चलते वो याद तक था हमारा सफर बस का। अभी इसके आगे हम आइए सेट्स देखने जाएंगे, देखो कितना क्राउड है। तो यहाँ से जा रहे हैं हम अंदर, एक सेट है सी। ओ भाई साहब, प्लाईवुड थिएटर, हाँ ये देखा है, ब्रोचर में था ये पार्ट सबसे एंड में सी। एक नंबर थे तो हम लोग ने अभी जस्ट एंटर किया है बॉलीवुड पार्क में, देख सकते हो आप पूरा साइड वाइड सब जगह से अंदर और भी है, बहुत दूर तक है। देखो यहाँ पे भी है कुछ बॉलीवुड थिएटर करके, एंड वहाँ पे कैंटीन है बॉलीवुड कैफेटेरिया का। शो यू दिस प्लेस, ये तो पक्का भाई वो सही दिख रहा है। वाह लुक एट दिस प्लेस, क्रोमा स्टूडियो ऊपर। अच्छा ऊपर भी है क्या, फोटो ले सकते हैं अपन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बॉलीवुड पार्क, अच्छा इतना ही है, थैंक यू फॉर विजिट बता रहा है। एक नंबर, लुक एट दिस प्लेस। जो श्वास से आए थे एंड थोड़ा और अंदर चलते, देख सा यहाँ पे क्या मिलता है। ओ वाह वाह वाह, एक्चुअली पोस्टर लगा है पूरा, थ्री इडियट्स वाला पार्ट दिख रहा है वहाँ पे। यहाँ पे आई गेस शूटिंग हो रही है कुछ सी, ट्रैक्स वगैरह लगा हुआ है। देव आनंद का सेट, वाह न्या आदमी थे। हाँ तो मैं सिंहासन में बैठ गया हूँ, तो बताता हूँ क्या क्या हुआ। अभी जस्ट हम लोग एंटर किए पार्क के अंदर, पार्क के अंदर तक का ही बस वाले का सफर था, तो अभी दूसरे को पिकअप करने निकल गया या फिर ड्रॉप करने के लिए नॉट श्योर। तो जस्ट याद तक आते ही इसके बाद कोई गाइड नहीं, इट्स लाइक आप घूमो फिरो फोटो लो जो करना है करो, वैसा कॉन्सेप्ट है। तो भाई पता नहीं किसको पूछना पड़ेगा कि कितना टाइम है हमारे पास यहाँ पे। उससे पहले हम जा रहे हैं यहाँ पे क्रोमा स्टूडियो करके दिया है वहाँ पे, एक बार देखता हूँ अंदर क्या है। काफ़ी लोग जा रहे हैं, टाइम है उसको 20-25 मिनट्स। और 25 मिनट से वहाँ घुसने के लिए, हाँ मतलब जाने के लिए थोड़ा 20 वेट करना पड़ेगा। ओ इट्स लाइक एक स्लॉट स्लॉट हो रहा है, तो कुछ लोग निकल गए ऑलरेडी। बताओ कैसा था सो फार, अभी तक कैसा लग रहा है? ओ एक्चुअली मुझे ना शूटिंग देखना था हर एक स्टूडियो में जाके, इट्स लाइक बाहर की स्टूडियो तो मोस्ट ऑफ कवर्ड थी तो कुछ दिखाई नहीं दिया। एक है जो बस से जा रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द अच्छे अच्छे शो जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जंगल जंगल
ये सब दूर से दिखाया, अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो प्राइवेट सेट है, ऐसा बताया उन्होंने, तो अलाउड नहीं है। तो अगर पर्टिकुलर शो या सेट पे जाना है तो परमिशन लेनी पड़ती प्रोड्यूसर या डायरेक्टर। यस यस, तो यहाँ पे बहुत बहुत रेयर सेट है जहाँ पे अलाउड किया जा रहा है। तो उसके बाद हमें एक सेट दिखा था जहाँ पे आई गेस हिंदी का शूटिंग हो रहा था, राइट? और ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक शो है, okay. तो उसका शूटिंग बता उसका शूटिंग हो रहा था वहाँ पे। तो उसके अलावा फिर आ गए थोड़ी देर मंदिर वगैरह घूमे, देन सीधा आ गए हम बॉलीवुड पार्क। बॉलीवुड पार्क के अंदर देखा जाए तो कुछ चार पांच सेट है, एक के बाद एक ही है। तो जो एरिया में हम थे ना वहाँ का शो स्टार्ट हो रहा है 3 बजे, तो यहाँ पे 7D करके है, वो देखता हूँ फिलहाल स्टार्ट हुए कि नहीं, अब नो आइडिया, शायद सबके सब उसके अंदर ही चले गए। ए भाई 70 70, ओ भाई साहब क्या था ये देखो बैठ गई है इधर। हो गया तो गाइस ये था 7DR का। तो हम लोग एंड में आ गए थे क्योंकि हमें पता नहीं था क्या था सीन करके, तो अभी 3 बजे का एक शो है इसके बाजू वाले इसमें, तो वहाँ पे जाएंगे अभी। चलो 15 मिनट में वैक्स म्यूजियम भी देख लेंगे हम। भाई भाई बहुत कुछ मिस हो गया, एक जादू दिख रहा है मेरे को। जादू ये हम लोग है, जादू नकली है बे, जादू इतना हाइटेड नहीं है, मेरे से भी हाइटेड है। तो वाह यहाँ पे है क्रिश जादू, सब एक ही हाइट का बना है रे। ओ मस्त, नरेंद्र मोदी जी भी है यहाँ पे। वैक्स म्यूजियम, ओ मस्त, ये आई गेस तेंदुलकर है, हाँ हाँ बराबर। एंड यहाँ पे KBC कौन बनेगा करोड़पति में, आप सबका स्वागत है। चलो आज मैं बैठा हूँ सामने, मेरे पास है सवाल, व्हाट वाज हेमा मालिनी स्क्रीम नेम इन फिल्म शोले? बसंती। तो ये हो गया सेट यहाँ का, थोड़ा और आगे चलेंगे हम, यहाँ पे है वो बाबा साहेब अम्बेडकर, मस्त यार मस्त बनाया। ये तो अन्ना हजारे है, हाँ रे आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पता नहीं भाई, गालियाँ मत दे देना कमेंट में। तो बस वैक्स म्यूजियम के नाम पे भी इतना ही था, यहाँ पे एक स्पॉट मिसिंग है, बाकी सब हम लोग ने देख लिया है सी। ओ तो पहला शो हो चुका है, अब जाएंगे हम क्रोमा शो में, क्रोमा शो ये होने वाली है कुछ लाइट, देखते ओ रोड 66 क्या बात कर रहा है। ये भाग ये क्या सीन है, ओके ग्रीन स्क्रीन देख रहा है, कितना मस्त लग रहा है यार। तो ये सेटअप है यहाँ पे, आप जिस फ्लोर में आए हो असल में टेक्निकल फ्लोर है, मतलब किसी भी फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क होता है, आफ्टर शूटिंग जो वर्क होता है वो इसी तरह के स्टूडियो में किया जाता है, ये भी कोई डमी स्टूडियो नहीं है, यहाँ पे भी शूट किए जाते हैं। राइट साइड में देखो तो एडिटिंग रूम है जहाँ पे फिल्मों के नहीं टीवी सीरियल कमर्शियल प्रोमो वीडियो या फिर रियलिटी शो के एडिटिंग और फाइनल कट्स किए जाते हैं, और आगे देखोगे तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जिसका अपना ही अलग से 50 साल का इतिहास है, जहाँ पे लता दीदी से लेकर काफी सारे सिंगर्स ने ट्रैक रिकॉर्ड कर लिए है। एक्चुअली पहले के जमाने में लाइव रिकॉर्डिंग की जाती थी, पूरा ऑर्केस्ट्रा प्ले होता था, तो ये पूरा स्टूडियो भी एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था, लेकिन अभी हम डिजिटल में कन्वर्ट कर चुके हैं, हमें टेक्निकल सपोर्ट आ चुका है, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट करके मोस्टली शूट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हो, फिल्म किस तरह से बनती है, क्या क्या बैकग्राउंड वर्क होता है, तो एक्जैक्टली शूट किस तरह से होता है, बैकग्राउंड किस तरह से चेंज की जाती है, देखते हैं छोटे से एवी के जरिए। जैसे कि बजरंगी भाईजान में सलमान खान लास्ट में किसी पाकिस्तानी लेक में नहीं क्रोमा फ्लोर पे गिरे थे, राजा जी भी आप लोगों ने देखी होगी कोटाना फोर्ट के लिए बैटल हुआ था हमारा
एमएस धोनी फिल्म में 14 साल के यंग सुशांत सिंह किए जनाब थे। भाई उसका मुंह ही गायब करते हैं। रांझना फिल्म में सोनम कपूर और धनुष को ऐसे ही टीनेज यंगर दिखाया गया था। दंगल फिल्म में पब्लिक में आमिर खान असल में खड़े भी नहीं थे, पब्लिक का शॉट अलग से लिया था, आमिर सरकार का शॉट अलग से ऐड। एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो साहो आप लोगों ने देखी होगी, इंडिया की पहली वीडियो जब वीडियो एफेक्ट हुई थी, इसमें जो श्रद्धा कपूर का डमी हेलीकॉप्टर देख पा रहे हो जहाँ पर लाइट हैंगिंग पे है वहाँ पे वो हेली हैंगिंग पे था, और श्रद्धा कहीं समंदर में नहीं मैं खड़ा वहाँ पे गद्दे पे गिरी। पुष्पा का पूरा जंगल पे असल में विजुअल इफेक्ट है, हमें फॉरेस्ट में शूट करना ही अलाउ नहीं क्योंकि हमें नेचर और जानवरों का भी ध्यान रखना है। सो फिल्म में आप लोगों ने जो फॉरेस्ट देखा था वो सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट था, और जो लाल चंदन की लकड़ियां देख पा रहे हो वो थर्माकोल। इसी फिल्म का खूबसूरत सॉन्ग श्रीवल्ली भी आपको पसंद आया होगा। असल में अल्लू अर्जुन धरने पे डांस करते तो पैर से चप्पल नहीं खुद का रह जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, डांस भी क्रोमा में ही किया था। एयरपोर्ट्स भी फिल्मों में काफी सुधार ही दिखाए जाते हैं, एक्चुअल एयरपोर्ट में हम ऑन टाइम शूटिंग ही नहीं कर सकते, और फिल्मों में हम देखते हैं 50-60 माले की बिल्डिंग होती है, हीरो भी आराम से भागा दौड़ कर सकता है, 2 फ्लोर के नीचे मुझे पर्सनली भगवान दिखना चालू हो जाते हैं। असल में 10-15 फीट की डमी दीवारों में की जाती है जिसकी मल्टीपल फ्रेम द्वारा क्या ऊंची बिल्डिंग देखते हो। जंगल बुक फिल्म में मोगली कैरेक्टर छोड़ के जानवरों से लेकर पूरा जंगल भी असल में काफी स्थान ही कमाल था। और ग्रिस्ट भी हमारे इंडिया की पहली फिल्म है जो कि 100% क्रोमा शूट थी, इसका मतलब इसका एक भी सीन रियल लोकेशन पे शूट नहीं हुआ है, पूरी फिल्म बंद स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन पे ही बनाई गई थी, इसका मतलब इस फिल्म में आप लोगों ने जो मुंबई सिटी देखी थी वो भी एक सीक्वल गेम है। फिल्मों का फ्यूचर यही है, हमें आउटडोर शूट करने की जरूरत ही नहीं, अगर हम चाहे तो एक बंद स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन पे ही पूरी फिल्म मेकिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्राफिक्स आज के डेट में इतने डेवलप हो चुके हैं कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर सफिशियंट बजट हो तो बिना शूटिंग के भी हम फिल्में बना सकते हैं। लेकिन डायलॉग छोड़ के एक फिल्म में हम सपोर्टिंग वॉइस कितने सुनते हैं, कभी सोचा है आप लोगों ने? जैसे कि शोले देखने बैठ जाते उसमें घोड़े दौड़ने लगते तो उनके टाकों की भी आवाज हमें सुनाई देती, घोड़े के पैरों पे तो कोई माइक नहीं बनता दिखता, उसके पीछे माइक लेके हम भी नहीं दौड़ सकते, धीरे दौड़ में भी आवाज रिकॉर्ड करनी, तो ये जो आवाज होते हैं इन्हें भी हमें अलग से रिकॉर्ड करना होगा, जिसके लिए अलग से टेक्निक होती है, अलग से आर्टिस्ट होते हैं, जिनमें से एक आर्टिस्ट हमारे साथ भी यहाँ पे मौजूद है, इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी और कुछ लाइव एग्जाम्पल वो आपको यहाँ पे सुना देंगे, तो आपको इसका फंडा पता चल जाएगा। सो प्लीज वेलकम कीजिएगा मिस्टर प्रथम सर का। मेरा नाम प्रथमेश है और मैं यहाँ पे एज अ फॉली आर्टिस्ट और एज एडिटर काम करता हूँ। जैसे सूरज सर ने आपको बताया कि किस तरह से हम विजुअल सेट कर सकते हैं, किस तरह से हम बैकग्राउंड रेमो कर सकते हैं, क्रोमा प्रो पे यूज कैसे करते हैं, वैसे फिल्म में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे फॉली साउंड कहते हैं। ये एक टेक्निकल फ्लोर है, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा फिल्म में रिलीज होने से पहले किस तरह से वर्क किया जाता है, किस तरह से साउंड का वर्क किया जाता है, डबिंग किस तरह से की जाती है, हम यहाँ पे कुछ फॉली फिट आपको दिखाने वाले हैं। आपने मिशन मंगल मूवी देखा है क्या जो अक्षय सर की आई थी, उसमें ज्यादातर की हमने जो आवाज सुनी थी वो है रॉकेट की आवाज, ये भी एक फॉली साउंड है, हम उसे भी एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ये आवाज किस तरह से बनी होगी आइए देखते हैं वीडियो के साथ। सो ये जो वीडियो देख रहे हो जैसे आवाज नहीं है, आवाज हम इस माइक से देखे जैसे फॉली साउंड कहते हैं, तो किस प्रकार से फॉली साउंड रिकॉर्ड किया जाता है फिल्मों में? हमारे लिए कितना बार मार खाएगा? ओ खत्म। हमारा सारा रैप फाइट के ऊपर होता है, हीरो के ऊपर होता है, पर बैकग्राउंड में हड्डी तुड्डी का बस यही से आता है। जैसे जब भी स्क्रीन पे कोई जलती हुई लकड़ी आप देखते हो या आग का सीन होता है तो आग की एक आवाज आती है, ये भी एक फॉली साउंड है, हम उसे भी एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पर इस आवाज को किस तरह से क्रिएट किया जाएगा? फायरप्लेस। सिंपल सा मेरे पास एक कागज का टुकड़ा, इसकी मदद से फॉली साउंड रिकॉर्ड किया जाता है, तो किस प्रकार से इफेक्ट आएगा ये?
जिस तरीके से ये पोजीशन रिकॉर्ड किए जाते हैं, होप सो फॉलीवुड होते कैसे और उसको फिल्म में यूज कैसे करते आपको समझ में आया होगा और कुछ नया देखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। मजा आ गया। So yeah, that one was a landmark for me because that got me motivated to do Foley. बैलगाड़ी जिस तरह से ये फॉली साउंड रिकॉर्ड किए जाते हैं आप में से बहुत कम लोग इस फॉली साउंड के बारे में जानते होंगे, पर नेक्स्ट टाइम आप मूवी देखो जरूर इस फॉली साउंड को सुनना और महसूस करना किस तरह से क्रिएट किया होगा। आप में से मुझे चार लोग चाहिए, दो मेल और दो फीमेल, जिनके साथ यहाँ पे आप छोटे से एक्ट करेंगे और ये बैकग्राउंड चेंज करके दिखाएंगे, जिन्होंने ग्रीन नहीं पहना हो और जो थोड़ी बहुत एक्टिंग कर सके यहाँ पे एक्ट। अच्छा नहीं मैं पहना हूँ उसमें ग्रीन है मैम खत्म आपका एक्टर बनने का सपना रहेगा। आइए मैम चलो आप यहाँ पे खड़े हैं ना, यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड है, ये रिमूव होता है, हम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कुछ एडिट करके रखा है। ओके सर, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ मैंने एडिट करके रखा है। एडिट के लिए वैसे बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग हो यहाँ पे दिखने वाले हो जेल में, ठीक है। तो वैसे आपको एक्टिंग करनी खत्म, ऑलरेडी आप जेल में हो, सुना के पास हो गया तो मूवी में। ओके तो वो एक्टिंग में नहीं करना आपका, ओके ठीक है। तो मैं आपको रेफरेंस देता हूँ क्या करना है। जैसे आप पार्क में घूम रहे थे और कुछ तो तोड़फोड़ हुई है, आप लोग चारों भाग गए वहां से, तो पुलिस ने आपको सीधा पकड़ा है जेल के अंदर ले गया है। और इस कैमरे के पीछे जेलर साहब खड़े जो आपको पूछ रहे हैं ये किसने किया है, तो आप दोनों को बोलना है लाउडली कि जेलर साहब हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया दोनों ने किया इनको जेल में रखो, ठीक है। तो लोग क्या बोलेंगे? और सेम हमको वही बोलना है, जेलर साहब कुछ भी बोल रहे थे, हम तो बस सेल्फी ले रहे थे, हम तो घूम रहे थे, जो भी किया इन दोनों ने किया है इनको जेल में रखो। थोड़ी सी बहस करनी है ओके, और कंटिन्यूस को 30 सेकंड तक ऐड करने बट के डायलॉग से बोल सकते हो, जो बोलना बोल सकते हो मैम ओके। पर ऐसा ना हो किसी को हर्ट हो तो नॉर्मल डायलॉग बोलना, नो गाली ऐसा नहीं बोलना है ओके। और वो जेल में सबसे बड़ी बात, जेल में कोई हंसता नहीं है तो आपको हंसता नहीं है, सीरियस एक्टिंग ओके। ये बोलते थे आपको जगह नहीं छोड़नी, जगह पे खड़े होकर एक्टिंग करनी है, आप मूव करोगे कैमरे के बाहर चले जाओगे, ठीक से एडिट नहीं हो पाएगा ओके, ठीक है। रेडी हो आप लोग? ओके आपस में एक बार डिस्कस करो किसको क्या बोलना है, तब तक मैं कैमरा सेट करता हूं। रेडी हो आप लोग? बाकी लोग थोड़ा साइलेंस मेंटेन करो ताकि इनकी आवाज इस कैमरे में रिकॉर्ड होनी चाहिए, और आप लोग लाउडली बोल रहा था कि इस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए आवाज ओके। रोल कैमरा एन एक्शन। जेलर साहब हमने कुछ नहीं किया, जेलर साहब हम तो खड़े थे, इन्होंने आके टांग डाली, इन्होंने किया, हमने कुछ नहीं किया जेलर साहब, क्यों क्या हम चुपचाप वहां पे जेलर साहब,
खत्म खत्म हो चश्मे पे जा रही लेंस कट को प्रमोट कर रही जब तक ये वीडियो क्लिप एडिट होती है तब तक आप नेक्स्ट पार्ट एंजॉय करोगे. थैंक यू सो मच. तो विजुअल हो गया है, डबिंग हो चुकी है, क्वालिटी हो गया है. अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट बचता है जिसके बिना खास करके हमारे इंडिया की फिल्में अधूरी है. बता सकते हो क्या हो सकता है? राइट, सॉन्ग्स, म्यूजिक. ओके, तो मुझे लगता है यहाँ भी म्यूजिक सबको पसंद है. पसंद है ना सबको? नहीं. तो आप में से जो कोई भी अच्छा खासा गा सकते हो, प्रोफेशनल सिंगर हो वेलकम, बाथरूम सिंगर हो मोस्ट वेलकम. मैं एक मिनट के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने दूंगा. आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग होगा उसका भी कराओके अवेलेबल कर दूंगा. मैं तमाम एलिमेंट्स आपको यहां पे लाइव स्ट्रीम भी कर दूंगा. तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि प्लेबैक सिंगिंग एग्जैक्टली किस तरह से की जाती है. ओके, तो कौन इंटरेस्टेड है? बोले काम कर दियो इसको. ओलास कर दे सर को ले लो. मैं चलेगा. मोबाइल फोन एडिटिंग लग रहा है. गेम ओवर. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है जेल की सलाखों से लेकर दीवारें सब एक विजुअल इफेक्ट था, लेकिन ये क्लिप मेरे ना 5 मिनट्स में रेडी हो चुके. तो आप लोग पहचान के सकते तो भाई एडिटिंग फिल्मों का ड्रामा में रियलिस्टिक फील देखने को मिलता है. उसकी ये डिटेल में फ्रेम बाय फ्रेम इंच बाय इंच वर्क किया जाता है. तो कंसिडर कर लो अगर 5 मिनट की वीडियो क्लिप होती है उसको परफेक्शन लाने के लिए एक दिन रखा तब से 9 बजा. टेक्निकल बातें बहुत हो, अभी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी चाहिए. सेक्शन यहाँ पे ही स्टार्ट होगा और उसके लिए मैं मेरे बोस को बुलाना चाहूँगा. प्लीज वेलकम कीजिएगा. लेकिन अभी मजा आएगा क्योंकि अभी एंटरटेनमेंट की ओर बढ़ेंगे हम लोग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बता दूं कि आज आप जिस प्लेनेट पर बैठे हो ना उसी को हम कहते हैं सिनेमा. सिनेमा यानी कि कुछ अलग सी दुनिया होती है जिसमें होता है नाच गाना मौज मस्ती एक्शन ड्रामा और होता है भर भर के एंटरटेनमेंट. और आज की शुरुआत हम करेंगे हमारे बॉलीवुड हिस्ट्री के साथ. हम देखेंगे कि हमारा बॉलीवुड यहाँ तक कैसे पहुंचा, इनमें कितने लोगों का योगदान रहा है, कितने लोगों की मेहनत रही है. और यही हिस्ट्री कुछ डांस के माध्यम से देखेंगे यानी कि सिनेमा सॉन्ग के माध्यम से. तो आप सब रेडी हो हमारे बॉलीवुड हिस्ट्री के लिए? वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिनेमा की दुनिया बॉलीवुड पार्क में. सन 1895 में फ्रांस के रहने वाले दो भाई ऑगस्ट और लुइस लुमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फ्रेंच फिल्म दर्शाई थी. अगले ही वर्ष 1896 में लुमियर ब्रदर्स ने वो हमारे आज के मुंबई में पहली बार अपनी चलचित्र दर्शाएगी. शुरू में तो हमारी आम जनता इसे मायावी दानवी ताकत समझकर इससे भयभीत हो गई, पर जल्द ही जनता के दिलो दिमाग में सिनेमा के मनोरंजन का ऐसा जादू चढ़ा कि आज तक उतरने का नाम नहीं ले रहा है. राजा हरिश्चंद्र नाथ की पहली मोशन फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित थी संपूर्ण रूप से भारतीय क्रू और कलाकारों द्वारा निर्मित की गई. 1933 में दोबारा एक क्रांतिकारी फिल्म मेकर आदेशिर ईरानी ने फिल्म आलाभारा से अब तक के गूंगे चित्रपट को आवाज दी और साइलेंट फिल्म्स के दौर से भारतीय सिनेमा टॉकी फिल्म्स की ओर अग्रसर हुआ. साउंड टेक्नोलॉजी से गीत संगीत के प्रचलन ने जोर पकड़ा. स्वरों की देवी लता मंगेशकर जी ने भी अपनी शुरुआत बतौर अभिनेत्री की थी और देखते ही देखते इस महान गायिका को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब प्राप्त हुआ. साल 1940 से 1960 को बॉलीवुड सिनेमा का गोल्डन एज कहा जाता है.
1960 से 1980 के दौरान इन कलाकारों ने अपनी फिल्म से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। फिर एक ऐसा सितारा आया जिसे पहले सुपरस्टार का खिताब हासिल हुआ, राजेश खन्ना। जो सफलता राजेश खन्ना को मिली न भूतो न भविष्य दे किसी कलाकार को नहीं दे। हास्य कलाकारों का अपना विशेष योगदान रहा है फिल्मों की सक्सेस में। इन खलनायकों ने भी सिनेमा घरों में खूब तालियां गालियां और सीटियां लूटी। इनके साथ साथ कई कलाकारों ने रुपहले पर्दे पर अपना अपना जादू बिखेरा। इन अभिनेत्रों ने अपनी कला और अदाओं से लोगों को प्रफुल्लित किया। लेट 80s और 90s में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान ने दर्शकों को एक बार फिर सिनेमा घरों की ओर आकर्षित किया। तुझे देखा तो ये इस दौर में शाहरुख खान बादशाह ऑफ बॉलीवुड कहलाए गए। कई कलाकारों ने बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब क्योंकि आप बॉलीवुड पार्क में आ गए, आप भी अब बॉलीवुड का हिस्सा है। क्या पता कल आप में से भी कोई सिनेमा की आकाश गंगा में सिताना पर चमक उठे। जब तक मनुष्य रहेगा वो सपना देखेगा, और जब तक कोई सपना देखेगा स्वप्न नगरी तब हमारी भी कोई नजर बरकरार रहेगी। जय हिंद। जो की सिर्फ सिंगर नहीं, वो प्लेबैक सिंगर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है और म्यूजिक कंपोजर भी है। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज मैं स्वागत करना चाहूंगी विशाल बागल का। I'm working as a sound engineer and musician for this particular recording studio, and now I'm going to perform something to all of you. मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे सारी एज ग्रुप बैठी है, तो क्यों ना हम ऐसे करें कि एक पुराना सॉन्ग लेते हैं प्रॉपर और उसको नए तरीके से प्रेजेंट करूंगा मैं, हम सब साथ में गाएंगे। सो थोड़ा हाउस पार्टी वाला भी फील आएगा, सबको मजा आएगा। Are you ready then? Yeah. पक्का? आवाज ही नहीं मिल रहा है? Okay, that's cool. Okay, another track please. Let's sing. I need all your voices and claps together, okay? It's embarrassing. It's a poor Oh, nice ambience. Dumb. Wow. Hopefully, this song will be better. Don't worry, don't जो कहा दीवाना पुराना गाना हमको नहीं समझ कोई ये बता क्या होगा
If you want to stick in it, me to listen to a different genre than songs and shows you, and there is my ID on Instagram. It is ONE1HEART, Heart Vishal Singh. And be there, you can go search it out and be with me. Thank you so much for being here. Love you, God bless you. Bharat Mata Ki. One day. Similarly, thank you so much, Jordan. Thank you. Okay, the first song that Tariya was on, Vishal Singh will be here. ये स्कूल चल रहे हैं शूटिंग क्लाइमैक्स की ओर जो कि बहुत ही धमाकेदार और आपके लिए सरप्राइजिंग होने वाला है क्योंकि हम करेंगे हमारे बॉलीवुड को एक परफॉर्मेंस डेडिकेट तो आप उसके लिए रेडी हो एनर्जी है सब में तो एनर्जी तालियां हो जाए यस बॉलीवुड को स्वागत नहीं कहा गया 3, 2, 1 ओके तो आपने जो फोटोज वीडियोस लिए वो प्लीज सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए क्या कर सकते हो बॉलीवुड थीम पार्क को एंड आप सबको एग्जिट पे बस ज्वाइन करना है आप सबका बस इंतजार कर रही है एग्जिट पे एंड जिनको रिकॉर्डिंग करना है वो प्लीज सूरज सर से ये शो के बाद में मिल सकते हैं थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू थैंक यू तो बहुत बड़ा शो हो चुका है अभी जाना है बस के पास तो हम लोग एग्जिट कर चुके हैं गाइस अभी यहाँ से सीधा बस में बैठेंगे थोड़ा बहुत फोटो स्टार्टिंग में लिया था तो है अभी उसके बाद अभी टाइम नहीं मिलता शो होते ही वो आके बोलेंगे कि हो गया आज का तो निकलना पड़ेगा यहाँ से बस में बस निकल रहे आज से अभी हम लोग ने एग्जिट कर लिया है बाकी एरिया अच्छा था बट एक चीज बताना चाहूंगा अगर आप सेट्स देखने के लिए आ रहे हो
द फिल्म सेट जो अंदर के पार्ट देखने आ रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ बॉलीवुड पार्ट दिखाएंगे ये लोग, और बाहर से थोड़ा सा अगर घूमने मिला तो ठीक, वरना वो भी नहीं दिखाएंगे। तो ओवरऑल प्लेस और एक्सपीरियंस ठीक था। मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग 60-70% पार्ट तो हम लोग वो स्टूडियो के अंदर ही बैठे थे, वही का पार्ट दिखा रहा था। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आप भी आना चाहते हो तो डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन से भी कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले बार मिलेंगे, अंटिल देन गुड बाय।